कानपुर में पानी की छींटे पड़ने को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। एक समुदाय की तरफ से दूसरे लोगों ने पथराव किया। दूसरे समुदाय का एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव हो गया है। स्थिति को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवक की मौत पर शोक व्यक्त किया है और उसके परिवार को 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। साथ ही आरोपियों पर NSA के तहत कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया है। मामला चकेरी थाना क्षेत्र के जादमऊ इलाके का है। यहाँ पर वाजिदपुर में रहने वाले 25 वर्षीय पिंटू निषाद टेनरी में काम करते थे। बताया जा रहा है कि पिंटू पाउस का पानी पी रहे थे। कुल्ला करने के दौरान पानी की कुछ छींटे स्थानीय युवक पर पड़ गयी। इसी बात को लेकर लाठी डंडे चले और जमकर पथराव हुआ। पथराव में पिंटू घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। पिंटू की मौत की खबर इलाके में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते मामला सांप्रदायिक तनाव में बदल गया। पुलिस और प्रशासन ने तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया है। भीम राजभर को BSP उत्तर प्रदेश का नया अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि OBC समाज कितना BSP के साथ है, यह 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा जा चुका है। 2022 के विधानसभा चुनाव में राजभर समाज का वोट उसी को जाएगा जिसे हम चाहेंगे। राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अति पिछड़ी जातियों को जिस तरह उपेक्षा की है उसी का परिणाम है कि 2017 चुनाव जीतकर BJP UP की सत्ता में आ गई है। 2022 के चुनाव में भीम राजभर BSP को OBC वोट नहीं दिलवा पाएंगे। भीम राजभर को BSP के बिहार का प्रभारी बनाकर भेजा गया था। वहां भी उपेंद्र कुशवाहा, मायावती और OVC के गठबंधन के नाम पर मेरे ही नाम का इस्तेमाल किया गया। 2022 में उत्तर प्रदेश में उपेंद्र कुशवाहा, मायावती और OVC के साथ गठबंधन करेंगे। इस पर ओम प्रकाश राजभर ने अपना रुख नहीं साफ किया। पुलिस कर्मियों की ड्यूटी बेहद तनाव भरी और थकाने वाली होती है। होली, दिवाली व अन्य त्योहारों पर जब लोग अपने घरों में खुशियां मना रहे होते हैं तो पुलिस वाले सड़क पर हमारी सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहते हैं। उनके मन में भी अपने प्रियजनों के साथ त्योहार मनाने की इच्छा होती है, पर कर्तव्य के आगे उन्हें अपनी भावनाओं को काबू करना होता है। यूपी के बागपत में तैनात एक इंस्पेक्टर ने अपनी इन्हीं भावनाओं को सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसे पढ़कर लोग भावुक हुए और बगैर नहीं रह सके। बड़ौत कोतवाली के इंचार्ज अजय शर्मा ने फेसबुक पर लिखा, जब आती है दिवाली तो बंदूक के ये रोते थे, आज बंदूक है हाथों पर, दिवाली पर हम घर नहीं होते। इंस्पेक्टर ने भले ही इन कम शब्दों में अपनी भावनाएं जाहिर की हूं, पर इसका अर्थ व्यापक है। अधिकतर पुलिस वालों के मन में यही पीड़ा है कि उन्हें मन लेकर त्योहारों के दिन नौकरी करने को मजबूर होना पड़ता है। 7 दिन पहले खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में गांव मुंडा खेड़ा में प्रतिबंध के बाद पटाखे बेचने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया था। इस दौरान एक पटाखा विक्रेता की मासूम बेटी अपने पिता को छुड़ाने के लिए पुलिस की जीप पर अपना सिर पटकती रही। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मामले को CM ने खुद संज्ञान में लिया, जिसके बाद CM के निर्देश पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बच्ची के पिता को छोड़ दिया। CM के आदेश के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी बच्ची के घर पहुंचे और उसके साथ दिवाली मनाई। हापुड़ के गांव बक्सर में एक किसान के खाते से 11 लाख रुपए निकल गए। यह रकम जमीन के मुआवजे के रूप में मिली थी। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। सिंभावली थाना प्रभारी राहुल चौधरी ने बताया कि बैंक से पैसे निकलते ही मोबाइल पर मैसेज आता है, लेकिन पीड़ित के फोन पर कोई मैसेज नहीं आया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जानकारी के अनुसार सिंभावली क्षेत्र के गाँव बक्सर सतीश सैनी परिवार के साथ रहते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी हाईवे बाईपास पर जमीन थी जिसका उन्हें मुआवजा मिला था। मुआवजे की रकम उनके बैंक में जमा थी। उन्हें जानकारी हुई कि उनके से 11 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। यह रकम कई बार में करीब 4 महीने में निकाली गई, लेकिन इस बीच किसान को पता नहीं चल पाया क्योंकि उसके मोबाइल पर कोई मैसेज नहीं आया। किसान ने अब पुलिस में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है।